नमस्कार, मैं अफरोज अली, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़ और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की, जो कि भारत की एक आर्थिक राजधानी और माया नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर किस तरह के हालात हैं सड़कों के, हम आपको इससे रूबरू करा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह से, कैसे सड़कों पे नाले और गड्ढे तालाबों जैसे बने हुए हैं, जिससे लोगों का निकलना तो दूर, वहाँ से आसपास से करीब होकर पहुँचना भी बड़ा मुश्किल बना हुआ है। लेकिन इसकी शासन प्रशासन कोई ख़बर नहीं ले रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन सब राजनीतिक तौर पर अपना राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर क्या कार्य चल रहे हैं ये आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई की, जो कि माया नगरी है, हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, और लेकिन उसके हालात क्या बने हुए, आइए दिखाते हैं पत्रकार रफीक अली के द्वारा मुंबई से। नमस्कार, इस वक्त मैं अभी मुंबई के आर्य कॉलोनी के यूनिट नंबर 29 में खड़ा हूँ। यहाँ से ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये आर्य कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट में आता है, जहाँ पे रोड की हालत ही बहुत ही ख़राब हो चुकी है। रोड पूरी तरह से, मेन रोड जो है वो पूरी तरह से टूट गई है। गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। आए दिन यहाँ पे डेली 3-4 बाइक वाले गिरते रहते हैं, और शासन और प्रशासन को इसकी सुध लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। न शासन इस पर ध्यान देता है, यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने, कई लोगों ने ये चीज़ यहाँ से लिखित में भी शासन को जानकारी दी है कि रोड आर्य कॉलोनी के पूरे टूट चुके हैं, सारी गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन शासन को इसकी सुध नहीं लेने पड़ रही है, और शासन इसकी सुध ले भी नहीं रही है। तो इस वक्त मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आर्य कॉलोनी यूनिट नंबर 29 गोरेगांव ईस्ट में आता है। ये चीज अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, और ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतें